शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नवरात्रि के इस 9 दिनों में सब लोग खुशियाँ की कामना करते हैं, पर या तो हमारी जिंदगी की एक ही खुशी है और वो भी लुटने जा रही है। कैसे माँ कैसे दूसरी शादी कर ले हो? हम अग्नि परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकते हो। हमारी मदद करो माँ, हमारी मदद करो। कल शादी है और शादी से पहले कुछ भी करके हमें मंच का पर्दाफाश करना है। क्या करें, कैसे रोके इस शादी को? मंच कमरे में नहीं, यही मौका है। हर बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे सामने है, बस हमें ही नहीं दिख रहा है। माता रानी, मदद करो, कुछ तो ऐसा दो जिससे हम वंश का काला चिट्ठा खोल सके। बड़े साहब के घर के पेपर्स वो भी साइन किए हुए। अरे वंश के रूम में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब वंश जो भी कर रहा है वो इस घर से जुड़ा हुआ है। घर खाली करो। हमने एक फैसला लिया है, हम वंश जी से शादी करना चाहते हैं। माता रानी, हम नवरात्रि के पावन दिनों में दूसरी शादी का पाप नहीं लेना चाहते। मत करवाओ हमसे ऐसा माँ। हम और कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने गौरव को चाहते हैं। कुछ करो, हमें अपने गौरव से अलग मत करो, हमारी मदद करो माँ। मदद करो। तुम यहाँ, तुम्हें कुछ चाहिए? सच? क्या सच? हमने कभी झूठ बोला ही नहीं है तुम्हें। बस कहना, अब और नहीं। अब ना कोई बहाना, ना कोई दलील, हमें सिर्फ सच सुनना है। बताओ तुम्हें शादी क्यों कर रही है? बता तो दिया तुम्हें, तुम क्यों ऐसे बार बार? तुम बार बार झूठ बोलती हो गहना, इस बार हमें सिर्फ सच सुनना है। सच सुनना है तुम्हें तो ठीक है। सुनो, हम ना परेशान हो चुके हैं तुमसे, बस करो। हमें जिंदगी में खुशियां ढूंढनी है, इसीलिए हम दूसरी शादी कर रहे हैं। जिंदगी में तुम नई खुशियां चाहती हो, पुरानी खुशियों को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाई हो। गौरव और गहना, ये दोनों मिलके गौना बनते हैं।
ये तो तुमने जला दिया था उन उल्टे फेरों की अग्नि में, तो तुमने इसे वापस क्यों बचाया? हमसे मुंह मोड़ती हो, हमसे दूर जाती हो, अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कहती हो, सब झूठ कहती हो गहना। गुड्डे को तो अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाई, हमें क्या निकालोगी गहना? और बात हमें जिंदगी से निकालने की नहीं है, अब किसी और को अपनी जिंदगी में लाने की बात है गहना। हम तुम्हें कब से चेतावनी दे रहे हैं, वो वंश सही इंसान नहीं है, मत करो उससे शादी, लेकिन तुम हर बार हमें अनसुना करती आई हो। तुम पहले ऐसी नहीं थी गहना, हमें अनदेखा कई बार किया, लेकिन अनसुना तुमने हमें कभी नहीं किया गहना, तो फिर अब क्यों? तुम सच सुनना ही नहीं चाहती या सच पहले से जानती हो, वो सब सच जो हमें नहीं पता है? जिस बीते हुए कल को तुम बचाना चाहती हो ना गहना, तुम्हें उसकी कसम, सच बोलो वरना आज सब जलेंगे। पागल हो गए होकर और ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ हो गए हम पागल गहना, आज तक समझदार बनकर देख लिया हमने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब शायद हमारे पागलपन से तुम्हारा सच सामने आ जाए गहना। इस गुड्डे को तो तुमने बचा लिया था, आज तो हमें नहीं बचा पाओगे, इसलिए सच बोलो। छोड़ो मारा। क्या कर रहे हो गौरव ये सब? बस और कुछ नहीं, सिर्फ सच बोलो। क्या सच जाता है तुम्हें? तुम्हें दिखाई देता है ना सब कुछ हमारी आंखों में? फिर क्या सुनना चाहते हो तुम हमसे? हम चाहते हैं कि वंश ये घटिया इंसान है, और फिर भी हम उनसे शादी कर रहे हैं क्योंकि हम मजबूर हैं। पता होने के बाद भी कि वो सही इंसान नहीं है, तो भी तुम उससे शादी कर रही हो? इसे मजबूरी नहीं, पागलपन कहते हैं। तुमने दिखाई थी ना समझदारी, समझदारी से काम लिया था ना तुमने भी गौरव, काम बना तुम्हारा नहीं ना, तो कभी कभी पागलपन और बेवकूफी करनी पड़ती है। कर रहे हम भी ये शादी की बेवकूफी कर रहे हैं गौरव। है ना, हमारे पागलपन की वजह थी, तुम्हारे बेवकूफ बनने की कोई वजह नहीं है। क्या वजह है? वजह है, और वो वजह ये है कि हम महेंद्र चौधरी की बेटी है। उनका अपना खून, महेंद्र चौधरी हमारे पिता है। और जब तक हम इस सच्चाई की खुशी को जीते, वंश जी ने हमारा सौदा कर दिया, इस घर को नीलाम होने से बचा लिया उन्होंने, इसलिए गौरव हम इस घर में शादी करके यहाँ से विदा हो रहे हैं, वरना हमारे पिता, हमारा परिवार, सब कुछ, सब लोग सड़क पर आ जाते। हम फिर भी किसी से नाराज नहीं है, हम नाराज भी हो तो किससे? हमारी तो किस्मत ही हमसे नाराज होकर बैठी है। जिंदगी में हमें सब कुछ मिला, लेकिन अधूरा, सारे रिश्ते हमें अधूरे मिले। पत्नी का रिश्ता अधूरा, बेटी का रिश्ता अधूरा। जिसकी किस्मत ही रूठ कर बैठी हो, उसके ख्वाब कैसे पूरे हो सकते? गौरव, तुम्हें पता है जब हमें पता चला ना कि महेंद्र चौधरी हमारे पिता है, हम उनकी बेटी है, हम बहुत खुश हो गए थे, हम सबको बता देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया। उन्होंने हमसे कहा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। अगर ये सच्चाई सबके सामने आ जाती तो उनका परिवार टूट जाता, सब कुछ बिखर के रह जाता। उनके परिवार की खुशियां बनी रहे, इसलिए हमने अपनी खुशियों को दबा दिया गौरव। लेकिन कोई बात नहीं, हमसे कहा उन्होंने कि एक बार हमारी शादी वंश जी के साथ हो जाएगी, फिर सबके सामने सब कुछ सच बोल देंगे, वो हमें अपनी बेटी के तौर पर स्वीकार लेंगे।
सब कुछ सच बता देंगे, हमें अपना नाम देंगे, अपनी पहचान देंगे, वो हर चीज हमें देंगे जिसके हम हकदार पहले से हैं। हाँ गौरव, और गौरव इसीलिए ये भी एक वजह थी कि हमें शादी के लिए मान गए। गौरव अब तुम ये बताओ हमने क्या गलत किया? तुमने कुछ गलत नहीं किया कहना। जो गलत नहीं करते ना वो वैसे आंसू नहीं बहाते हैं। लिहाजा तुम दुनिया के सबसे निस्वार्थ इंसान हो। तुम अपने आप से पहले लोगों को रखती हो कहना। तुमने हमारे लिए अपनी खुशियां दांव पे लगा दी, इस फैमिली के लिए जिसका तुम्हें पता अभी चला है, अपने पापा के लिए। और जो लोग अपने से पहले दूसरों को रखते हैं और अपने सपनों से पहले दूसरों के सपनों को रखते हैं ना, उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। हमें बहुत खुशी है कहना कि तुम्हारे पापा तुम्हें अपना नाम देने वाले हैं, वो भी सबके सामने। हम तो तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए कहना, पर वो तुम्हें सबके सामने अपनी बेटी मानेंगे। हमें बहुत खुशी है, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, समाज के सामने सर ऊपर करके जीने का मौका मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा। और कहना तुम्हारी इस नई जिंदगी की शुरुआत हो, हम तुम्हारे साथ। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।